निफ्टी की क्लोजिंग आज काफी हद तक पॉजिटिव हैंड में होती हुई नजर आई। खास तौर से निफ्टी देखें तो यहाँ पर लगभग 88 पॉइंट अप 10,880, लगभग 900 के बहुत करीब। सेंसेक्स यहाँ पर देखिए तो उसकी क्लोजिंग 36,213, लगभग 350 पॉइंट के पास पॉजिटिव यहाँ पर सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आया। और इसकी मुख्य वजह यहाँ पर रही, पहला तो जिस तरीके से ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के बीच में सॉल्व होता हुआ नजर आया, उससे आज स्टील काउंटर में यहाँ पर मेटल सेक्टर में एक तेजी का रुझान रहा। दूसरी तरफ यहाँ पर रियल्टी स्टॉक्स में भी आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, और उसका इम्पैक्ट इसलिए भी रहा क्योंकि जीएसटी के रेट जिस तरीके से कट किए गए हैं उसका एक फायदा रियल इस्टेट को यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ है स्टॉक स्पेसिफिक में देखें तो रियलिटी, डीएलएफ, शोभा डेवलपर, इन सब में एक पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर बनता हुआ नजर आया। और एंड में भी मार्केट में एक तेजी का रुझान ही बंद हुआ। कल बाइंग के हिसाब से भी देखें तो काफी हद तक बैंकिंग सेक्टर और रियल्टी सेक्टर की चमक यहां पर और देखने को मिल सकती है। कुछ स्टॉक्स में देखें तो जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स थे उनमें तेजी में यस बैंक, टीसीएस, इंफोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें एक ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर बनता हुआ नजर आया। और कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जिनमें अदानी पोर्ट का नंबर वन रहा, इसमें कि ज्यादातर सारे दिन आज जो है वो सेलिंग प्रेशर ही यहाँ पर देखने को मिला। इंफ्राटेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी, ये ऑयल एंड ओएमसीज जो कंपनीज थी इनमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो कल की स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर फिलहाल रियलिटी और सीमेंट सेक्टर और यहाँ ओवरऑल बाइंग सेक्टर, बाइंग मोमेंटम में देखने को मिलेंगे।